नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ओमान से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ओमान से रिलेटेड मैंने एक बार पहले भी भाई वीडियो बनाया था। आपने देखा होगा कि काफी सारी महिलाएं ओमान में फंसी हुई थी, उनको परेशान किया जा रहा था खाना वगैरह, या फिर गुरुद्वारे में उन्होंने शरण ले रखी थी। काफी लोगों ने वीडियो देखा भी था, मेरे पास लोगों के कॉल भी आए थे कि भाई हम उनकी मदद कर दें, लेकिन दोबारा मुड़ के उनका मेरे पास कभी कॉल नहीं आया। इसका मतलब हम तो यही समझेंगे कि भाई उनका कोई हेल्प हो गई होगी या आइडिया पहुंच गई होगी। जी अभी एक मेरे पास एक न्यूज आई है, हालांकि ये न्यूज है जनवरी मंथ की है, 15 से 20 दिन पुरानी न्यूज है। बता दूं, एक हैदराबाद की, जी हाँ साथ, एक हैदराबाद की महिला इंडियन सरकार से गुहार लगाती हुई नजर आ रही है कि भाई मेरी बच्ची ओमान कमाने के लिए गई थी, लेकिन वहां पे वो फंस चुकी है। जी हाँ, और फंसी भी इस तरह से है कि उसकी हालात खराब है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही है, तो इंडियन सरकार उनकी हेल्प करके और वापस मेरी बच्ची को इंडिया पहुंचाए। जी हाँ साथियों, इसी से रिलेटेड हम बात करना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक हैदराबाद की उनकी मां ने सरकार को एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि मेरी बच्ची काफी टाइम से फंसी हुई थी, हालांकि एजेंट ने उनको भेजा था कमाने के लिए, अच्छी सैलरी के हिसाब से उनको वहां पे भेज दिया और वहां पे उनको कोई ओमानी के घर में काम करने के लिए रख दिया गया। जी हाँ, तो पता चला कि उसकी बच्ची ने, उसकी लड़की ने वहां पे शादी कर ली है। जी हाँ, शादी होने के बाद में ये बात सामने आई, हो सकता है उनकी बच्ची ने फोन किया, कैसे हुआ ये तो हमें इस जानकारी नहीं है, लेकिन ये सामने आया कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। बाद में पता लगा कि उसकी बच्ची मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उनका मानसिक एक्सेप्ट होते हैं ना, जैसे मानसिक रोगी जिनको बोल सकते हैं, उस हालात में वो है वहां पे, और वहां पे उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई कि मेरी बच्ची को सरकार हस्तक्षेप करके वापस सुरक्षित इंडिया पहुंचाए। जी हाँ, ये मामले आगे आए भी हैं, उन्होंने बताया किसी एजेंट के थ्रू हमने उस बच्ची, हमारी बच्ची को भेजा था। और भाई देखिए, आपको हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर आप इसी तरह से एजेंटों के चक्कर में आते रहोगे तो फिर यही होने वाला है, फर्जी एजेंटों के चक्कर में आओगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए सिस्टम बता दूं, हाँ ओमान में या किसी भी कंट्री में, गल्फ कंट्रीज की खास तौर से बात करें, इंडियन महिलाएं, इंडियन लड़कियां जॉब के लिए जाती है, नो डाउट, ठीक है। और वो जो लोग वहां से रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि भाई हमें ये नौकरानी की जरूरत है, हमें ये जरूरत है, वहां पे जितना वो उनका अग्रीमेंट होता है ना, उसके हिसाब से यहाँ अपने जो फोर्थ एजेंट जिनको बोल देते हैं, चाहे कि थड़ी में बैठ के डील करने वाले एजेंट होते हैं ना, वो सही तरीके से नहीं बताते। आपने भी वीडियो देखा होगा कि एक बात को मेरे कान में डाल दी, फिर ये बात एक एक करके आगे आगे पहुंचानी है 10 लोगों तक, तो वो बात जो फर्स्ट में बंदे ने कान में डाली थी, वो 10वें आदमी तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरीके से उसका अर्थ ही बदल जाता है। आपने देखा होगा, वो है प्रैक्टिकल भी ऐसी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, आप देख लेना, ये सच्चाई है। तो ये एजेंटों तक पहुंचते पहुंचते इसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, धीरे धीरे झूठ झूठ होती होती वो बड़ी झूठ हो जाती है। सैलरी 100 ओमानी रियाल बताते हैं तो वहां उनको 200 बता देते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और फिर भैया आपको पता है, फिर हम यहाँ वहां पे जाके बोलते हैं हमें फंसा दिया, हम फंस गए। वो इसलिए फंस जाते हैं कि जितना अग्रीमेंट उनको बोल के, झूठ बोल बाल के वहां से भेजा जाता है, उनको काम बताया जाता है काम नहीं मिलता, जो सैलरी बताई जाती है सैलरी नहीं मिलती, ड्यूटी बताई जाती है ड्यूटी नहीं मिलती, या फिर और भी उनको जो बताया जाता है उनका अग्रीमेंट के हिसाब से, तो वो उनको पूरा नहीं मिलता, तो उनको लगता है कि हम फंस गए। जबकि कई जगह फंस भी जाते हैं, मैं नहीं बोलता कि फंसते नहीं है, बहुत जगह ऐसे मामले भी आते हैं फंसते हैं, लेकिन अधिकतर मामले एजेंटों के फर्जी तरीके से भेजने की वजह से फंसते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप विदेश जा रहे हैं तो गवर्नमेंट अथोराइज एजेंसी के द्वारा आप जाएं। अब जैसे बात कर लेते हैं बिहार, बिहार में मात्र मेरे हिसाब से 12 के करीब है मैन पावर एजेंसी, सिर्फ बिहार में, इतना बड़ा बिहार है, वहां पे सिर्फ 12 मैन पावर ऑफिस हैं, वहीं के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन वहां पे पता है ऑफिस कितनी है बिहार में, 150 से 150 से ऊपर ऑफिस मिल जाएगी आपको, तो आप उनके चक्करों में आओगे तो आपको पता है फिर क्या होने वाला है। तो इन चीजों का आपको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, इन एजेंटों से बचने चाहिए। और डायरेक्ट आप मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाओगे तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट अथोराइज होते हैं, तो वो भी चीटिंग, मैं नहीं बोलता हूँ दूध के धुले होते हैं, लेकिन वो उनकी अगर कुछ गलत कर देते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डायरेक्ट सरकार के टच में आ जाते हैं, तो वो गलत नहीं कर सकते, गलत कर भी देते हैं तो वो भाग नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट विदेश मंत्रालय में उनका पूरा डाटा, उनके घर के एड्रेस वगैरह सब होते हैं उसमें, आप समझ सकते हैं मेरी बात। तो हमेशा ध्यान रखें इन चीजों का, सतर्क रहिए। बस ये जानकारी शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।